आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, आईएएस, पीएससी एंड अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम कॉन्टिब्यू, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़िए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सैचुरेटेड टेम्परेचर, व्हाट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देन सुपर हीटेड वेपर क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, उसके बाद आपसे बोलते हैं कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी जो है उसके लिए प्योर सब्सटेंस के लिए आप जो आपका ग्राफ है वो बनाइए, है ना, टीएस ग्राफ जो है बनाइए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको देखिए एंड तक, जो कि 14वां वीडियो लेक्चर है आपका। अभी तक मैंने आपको 13 वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है इस थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का, इसके बाद मैं आपको स्टॉप कर दूंगा। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली जो है आप एक अपना बैकअप बना पाएंगे जनरली, है ना, और धीरे धीरे करके जो है आप आगे बढ़िए तो आप जो है किसी भी चीज में जो है आप अचीवमेंट अच्छे से पा पाएंगे। और आप फिर इसके बाद जो है आप बुक उठाइए, अपना जो एरिया है टॉपिक्स को और बढ़ाते जाइए, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सफिशिएंट है, लेकिन इसके बाद आप और भी पढ़िए, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जो कि 2021 के हैं, लेटेस्ट हैं, ठीक है। और तो भी अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा, लिखने में मिस्टेक होती है, बोलने में मिस्टेक होती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर मैं भी शायद आपको सही नहीं बता पाता हूँ तो उस चीज़ में मैं बेसिकली सॉरी बोलना चाहूँगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ अपनी तरफ से, हाँ मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, उस बेस में मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस होता क्या है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस ऑफ कॉन्स्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है। इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें। एंड इट मे एग्जिस्ट इन वन और मोर फेसेस, ठीक है। तो जनरली प्योर सब्सटेंस इज नथिंग, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस ऑफ कॉन्स्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड इट मे एग्जिस्ट इन वन और मोर फेसेस, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि देखते हैं आपके पास एक बर्तन है, उसमें आपने वाटर फिल कर रखा है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन को इसमें हम देखते हैं, एडजस्ट करते हैं और समझते हैं। तो जैसे कि अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, जनरली इसको अगर मैं बोलूँ ये प्योर सब्सटेंस है, है ना, ये आपका सब्सटेंस है, सब्सटेंस ये चीज होगी, है ना। तो प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, जैसे वाटर है, इस वाटर के मॉलिक्यूल का केमिकल कंपोजिशन H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1, सेम टू सेम इसमें भी H2O, सेम टू सेम बीच में अगर देखेंगे तो H2O। तो जो केमिकल कंपोजिशन है मॉलिक्यूल के वो थ्रू आउट मास, मतलब इसका टोटल मास अगर मैं बोलूं 1 लीटर पानी है तो थ्रू आउट मास जो है केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए भैया, इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम, जैसे कि आपको मैंने बताया ना, एक कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए, है ना, कंपोनेंट एक ही होना चाहिए, दो चीजें नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने ऑयल मिक्स कर दिया और वाटर, दो नहीं होना चाहिए, फेस दो हो सकते हैं, जैसे कि वाटर है तो वाटर के दो फेस कौन कौन से हो सकते हैं आपका, एक तो लिक्विड, दूसरा प्लस वेपर। अब लिक्विड में भी H2O रहेगा और वेपर में भी H2O रहेगा, तो भैया देख पा रहे हो आप, कंपोनेंट तो वन ही है लेकिन फेसेस दो हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया है, शायद मे भी आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, आज आपको क्लियर हो गया होगा कि प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसका फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है बस थ्रू आउट मास, फिक्स केमिकल कंपोजिशन, ओके। अब देखिए, अब इसमें एक एक करके हम सभी डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन तो आप समझते होंगे, वेपर में कन्वर्ट होना, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेपोराइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड,
the amount of heat required to convert the liquid water into completely vapor under the given condition is called heat of vaporization. Okay, so heat of vaporization kya hota hai generally? The amount of heat required to convert liquid water into the completely vapor under the given condition. जिस condition पे दे रखा है, जैसे कि atmospheric pressure condition में हमें दे रखा है, इसमें पानी मैंने fill रखा है ना, ये liquid form में है, तो इसको इस liquid को vapor में convert करना चाह रहे हो आप, है ना, तो कितनी इसमें amount of energy जो है वो लगेगी जो कि ये vapor को convert कर दे, जो भी condition दे रखी है, उसे हम बोलेंगे heat of vaporization. होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अब बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सैचुरेशन टेम्परेचर या सैचुरेटेड टेम्परेचर भी बोलते हैं. अभी मैं सभी का ग्राफ भी बनाऊंगा ना. द टेम्परेचर एट विच वेपोराइजेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड सैचुरेटेड टेम्परेचर, है ना. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका मतलब आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड में जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर, लिक्विड में होगा क्या, जैसे जैसे इसमें आप गर्म करते जाएंगे, इसमें हीट देते जाएंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है वो एनर्जी लेते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जनरली वो एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सभी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे. तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको हीट दी जैसे कि 90, है ना, 90 डिग्री सेल्सियस, फिर 99 कर दिया, 100 पे क्या होगा, सभी जो है कन्वर्ट हो जाएंगे. तो वाटर की अगर मैं बात करूँ तो 100 पे जैसे ही, 100 के ऊपर जैसे ही जाओगे तो फिर क्या होगा, ये वेपर में हो जाएगा. तो ये वही चीज़ है, द टेम्परेचर एट विच वेपोराइजेशन टेक प्लेस इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड टेम्परेचर. और सैचुरेटेड टेम्परेचर वाटर के रिस्पेक्ट में 100 डिग्री सेल्सियस होता है. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना. इसको मैं अभी ग्राफ के मदद से भी आपको बहुत अच्छे से इसको अच्छे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अब बात करें सुपर हीटेड वेपर क्या होता है. सुपर हीटेड वेपर इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सुपर हीटेड वेपर. पहले हम सभी टर्म्स जो है इनको अच्छे से डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद फिर इसको अच्छे से समझेंगे. सुपर हीटेड वेपर तो ये क्या होता है, देखिए, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज का मैं साइन ऐसे बना रहा हूं, अब द सैचुरेटेड या द सैचुरेशन टेम्परेचर द पेपर इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, सुपर हीटेड वेपर. ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं, है ना, सैचुरेटेड जो टेम्परेचर है उससे और ऊपर करते जाएं, तो वहां पर जो है सुपर हीटेड वेपर की कंडीशन आएगी. ठीक है, तो यहां पर मैं आपको जनरली एक छोटा सा ग्राफ बना के और इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. इस पर हमने टेम्परेचर ले रखा है, इस पर हमने एनर्जी जो है जो कि होगी आपकी एंथैल्पी ले रखी है. ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है इस टाइप से ये जो डोम है इस टाइप से मैंने बनाया है ना, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. यहां तक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये जो लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइड देखिए इधर जो होगा ये लिक्विड रीजन है, ये होगा आपका वेपर रीजन और ये होगा वेट रीजन. वेट रीजन कुछ नहीं होता, लिक्विड प्लस वेपर होता है. ओके, तो इसे हम बोलेंगे, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, लिखते जाइएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ स्पेस के चक्कर में, सैचुरेटेड ये होगा आपका लिक्विड लाइन, ये होगा सैचुरेटेड वेपर लाइन, सॉरी मैं भूल गया था, ये होगा आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन. ओके, तो जनरली ये टच है किसके, लिक्विड के, तो इसलिए हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये होगा सैचुरेटेड वेपर लाइन.
तो होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ ये वाटर के रिस्पेक्ट में, और ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप नीचे जाएंगे ये टेम्परेचर, ये आपका अगर इधर आप जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये लिक्विड में है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आइस मिलेगा आपको वाटर का, है ना। 0 डिग्री पे आइस, ऊपर जाते जाएंगे तो फिर आपको लिक्विड, और एक टाइम ऐसा आएगा ये इस पॉइंट पे, ये अपन बोल रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन वाला जो कर्व है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये वेट रीजन है जनरली, इसमें क्या होगा, वेट रीजन में जनरली जो आपका लिक्विड है उसके एक एक मॉलिक्यूल करके वो क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप पहुंचे 100 से अगर आप ऊपर गए तो क्या होगा, फिर पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा। अब और ऊपर अगर आप जा रहे हो तो इसे हम बोल रहे हैं सुपर हीटेड। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हो ना, 100, 200, 300, 400, तो सुपर हीटेड रीजन में आप जाते जा रहे हो। नीचे जा रहे हो तो ये सब कूल्ड रीजन होता है, ये सैचुरेटेड आपका लाइन होता है, ठीक है। और वाटर के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपका वेट रीजन होगा। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, जब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जब मिलती है तो इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट नीचे आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो आप इसको शायद इसके रिस्पेक्ट में समझ पा रहे होंगे कि जब आप सैचुरेटेड टेम्परेचर जो है ये है, सैचुरेटेड टेम्परेचर मीन सैचुरेटेड ये लाइन के इधर है ना, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको सुपर हीटेड रीजन यहाँ पे मिलेगा, इधर सुपर हीटेड रीजन, यहाँ इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट की। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट इट इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व मीट एट अ अपर पॉइंट ऑफ डोम। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट जनरली, है ना, होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, सुपर हीटेड रीजन आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता देता हूँ सुपर हीटेड रीजन क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सब कूल्ड, जिसे हम बोलते हैं एंड अंडर कूल्ड रीजन, ठीक है, सब कूल्ड और अंडर कूल्ड रीजन। इट इज अ रीजन इन विच द एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन द सैचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर है उसके, है ना, जो भी आपको प्रेशर दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग प्रेशर। तो सब कूल्ड रीजन क्या होता है, देखिए ये डोम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली ये लिक्विड रीजन में आपका आएगा, है ना, क्योंकि ये कूल्ड है। तो यहां पर लिक्विड रीजन में ये जो होगा आपका, ये होगा आपका सब कूल्ड रीजन, ये वाला जो पोर्शन होगा। तो सब कूल्ड रीजन क्या है, इट इज अ रीजन इन विच द एक्चुअल टेम्परेचर मीन्स अगर मैं यहां पर किसी पॉइंट पे, यहां पे अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो यहां पे आपको जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये एक्चुअल टेम्परेचर है इस रीजन का, है ना। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो होगा इज लेस देन, ये टी सैचुरेटेड टेम्परेचर है, सैचुरेटेड टेम्परेचर है। और सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है, जहां पर आपको जो है वेपर जो है वेपोराइजेशन मिलता है जनरली, है ना, इसके बाद आपको वेपोराइजेशन मिलना स्टार्ट होगा। तो इसको हम सब कूल्ड या अंडर कूल्ड रीजन बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होगा ये सब कूल्ड या अंडर कूल्ड रीजन होगा, ये इतना इस डोम के इस साइड वाला, है ना, इस चीज को ध्यान रखना आप। तो इसमें जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा, कोई भी एक्चुअल टेम्परेचर आप ले लीजिए, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस, तो जो कम होगा ना 30 डिग्री सेल्सियस जनरली कम होगा 100 से, और जो 100 है आपका वो सैचुरेटेड है। तो ये वही चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार और इसको रिपीट करके देखिए तो मे भी शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब बात करेंगे सुपर हीटेड
सॉरी दोबारा लिख दिया ये रीजन, ठीक है। तो ये भी सिमिलर डेफिनेशन है, इट इज अ रीजन, इट इज अ रीजन इन विच एक्चुअल टेम्परेचर, जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा इज मोर देन सैचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है, सैचुरेटेड टेम्परेचर मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं जहां पे आपको फेस जनरली मिलेंगे, है ना, फेस जो चेंजेस वहां पे आपको मिलते हैं बेसिकली, उसके ऊपर जाएंगे तो जो है आप लिक्विड जो है वो अपना फेस चेंज करेगा, है ना। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड वाला रीजन है, ये पूरा वेट रीजन है, और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, इसके ऊपर जो है आपको वेपराइजेशन मिलेगा। तो सुपर हीटेड रीजन मतलब ये वाला रीजन मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें होगा क्या, एक्चुअल टेम्परेचर जैसे कि हमने मान लिया सुपर हीटेड रीजन में 100 से ऊपर ही होता है जनरली, तो मैंने माना कि जैसे 120 है, तो इट इज अ रीजन इन विच एक्चुअल टेम्परेचर जैसे कि मैंने 150 मान लिया तो ज्यादा ही होगा ना इससे, तो एक्चुअल टेम्परेचर हमेशा जो है वो ज्यादा होगा किससे, सैचुरेटेड से, और इसमें सैचुरेटेड जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कम होगा सैचुरेटेड से, इससे कंपेरिजन करते हैं बेसिकली हम। होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर हीटेड रीजन क्या होता है। और वेट रीजन क्या होगा, वेट रीजन इज नथिंग, इट इज अ रीजन इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, है ना। और व्हेन द पॉइंट इज वेट रीजन, सो इट्स टेम्परेचर विल बी इक्वल टू सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेट रीजन क्या होता है, वेट रीजन होता है इट इज अ रीजन इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, या इसको आप लिख लीजिए वेट रीजन, हर एक चीज लिख पाऊंगा टेंशन ना लो। इट इज अ रीजन इन विच बोथ मिक्स होता है जनरली, इसमें लिक्विड भी आपको मिलेगा वेपर भी मिलेगा, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे तो फिर क्या होगा उसमें आपको वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। तो होप आप ये समझ पा रहे होंगे, वेट रीजन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेटेंट हीट, एंड अब इसमें हम बात करते हैं सैचुरेटेड हीट क्या होती है, सॉरी लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। सबसे हम बात करेंगे पहले सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट जैसे कि आप समझ पा रहे होगे, जिसको आप सेंस कर पाओ थर्मामीटर या टच करने से आप सेंस कर पाओ, इस टाइप की हीट को हम सेंसिबल हीट बोलते हैं, इसको हम सेंस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसको हम अगर डिफाइन करें द हीट ट्रांसफर associated with temperature change is known as sensible heat। ओके, समझ में आ गया होगा। द हीट ट्रांसफर एसोसिएट विद टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे हम फेस चेंज की नहीं बात करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको सेंसिबल हीट जो है वो देखने को मिलेगी। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने बताया था आपको हीट जब मैंने पढ़ाया था, एम इज इक्वल टू सी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे आप देख रहे होगे डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर चेंज। ओके, तो इसके थ्रू जो है इसको हम फाइंड करते हैं। दूसरा आता है आपका लेटेंट हीट जो है ये बहुत मतलब इस टाइप की, अगर आप इसको टच कर लिए तो डेफिनेटली जो है इसमें आपको चांसेस रहेंगे आपके जलने के। और एक तरीके से इसको हम बोलते हैं ये गुप्त ऊष्मा होती है ना। द हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड ड्यूरिंग फेस चेंज is known as latent heat। और इसको जनरली हम latent heat को जो है जो आपकी enthalpy जो change होती है, जो enthalpy में जो difference होता है generally उससे हम define करते हैं change in enthalpy generally। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक तो होती है सेंसिबल, जिसे आप सेंस कर पाओ, मतलब जैसे कि थर्मामीटर से अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करूं तो पहले 30 डिग्री, फिर आपका बढ़ता जाएगा 31, फिर 35, फिर उसके बाद 40, ऐसे बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे 70 के समथिंग हो गया जैसा। लेकिन लेटेंट हीट जो होती है, कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर गुप्त ऊष्मा हम इसे बोलते हैं, इंटरनली ही होता है जनरली, है ना। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका लेटेंट हीट होती है, जो एक तरीके से एक अमाउंट ऑफ हीट होती है
जो कि रिक्वायर्ड होती है। अगर आप एक डिग्री सेल्सियस जो है आप बढ़ाओगे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, तो उसके जो टोटल जो आपका सब्सटेंस है उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो चीज़ मैंने आपको बता रखा है। स्पेसिफिक हीट को भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है ना, वहाँ पे आप एक बार जाके देखिएगा बेसिकली। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये जो है आपका बेसिक जो मैंने आपको अभी बताया कि लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, देन मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका डिफरेंट टाइप्स के जो टर्म्स मैंने आपको बताया, सब कोल्ड रीजन, अंडर कोल्ड रीजन, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सभी चीज़ें जो है आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें एक ड्राइनेस फ्रिक्शन भी होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसे हम एक्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता, इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर। एक्स इज इक्वल टू जैसे कि मास ऑफ वेपर और अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, इस टाइप से जब हम ऐसा कर्व बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू हम 1 मानते हैं, तो ये वैल्यू जो है इस टाइप से बढ़ती जाएगी। x जीरो है तो 0.1, 0.2, 0.3, 10 वो यहाँ पे आके 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेचुरेटेड वेपर कर्व पे जो है x की वैल्यू 1 होती है और इस सेचुरेटेड लिक्विड कर्व पे 0 होती है। होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और मैं जनरली अब आपको एक डायग्राम की मदद से और समझा देता हूँ कि आपका जो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट का जो भी कॉन्सेप्ट है जनरली, तो सेम वही डोम है, ठीक है। ये क्या लाइन है, जब भी ये लाइन हम बात करेंगे तो ये आपकी सेचुरेटेड लाइन होगी, ठीक है। वाटर के केस में ये 100 डिग्री सेल्सियस हम मानेंगे, है ना। प्रेशर जो भी आप ले लो, है ना। उसके बाद नीचे वाला रीजन ये सब कूल्ड रीजन, इधर अगर आप ऊपर गए तो ये हो गया आपका सुपर हीटेड रीजन, ये आपका सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, ये क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं सॉरी, और ये वेट रीजन। होप आप समझ पा रहे होगे। तो जो सेंसिबल होगी वो ये वाली होगी, सेंसिबल हीट, ये आपकी लेटेंट हीट और ये फिर सेंसिबल हीट। क्यों, देखिए यहाँ पे आपको फेस चेंज देखने को मिलेगा। फेस चेंज मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड जो है 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे आपको फेस चेंज मिलेगा लिक्विड से वेपर में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर चेंज देखने को मिल रहा है, तो सेंसिबल के अंदर टेम्परेचर चेंज, यहाँ भी टेम्परेचर चेंज, भले आप सुपर हीटेड रीजन में रहो या सब कूल्ड रीजन में रहो, ये सेंसिबल हीट को डिफाइन करेगा। यहाँ पे जो है आपकी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी, और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ पर फेस जो है वो चेंज हो रहा है। होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ से और चीज़ें नहीं गेन कर पा रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बुक लीजिए, बुक से बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िए तो आप समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आप और समझ पाएं। जैसे कि आपके पास पानी है H2O, है ना, वाटर, ठीक है। ये आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस पे या 30 डिग्री सेल्सियस में मैं मान लेता हूँ आपके रूम टेम्परेचर में आपके बर्तन में भर के रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस पानी को मैंने जनरली एट 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं लेके आ गया, ठीक है। 100 डिग्री जैसे मैं गर्म करता गया तो ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आना स्टार्ट हो गया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो जनरली यहाँ पे जो हीट हम दे रहे हैं, ये जो हीट है जहाँ पे आप टेम्परेचर देख पा रहे होगे, 30 से हमने 100 पे लेके आ गए, इसे हम बोलेंगे सेंसिबल, सेंसिबल हीट। अब क्या होगा, देखिए H2O जो है आपका एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब पानी जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तो फिक्स है, अब क्या होगा, जैसे ही उसको और एनर्जी देते जाएंगे तो अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो लाइन है ये, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब यहाँ पे टेम्परेचर तो आपका रिमेनिंग सेम रहता है, सिर्फ फेस चेंज होता है। ये आपका लिक्विड फेस, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये आपका वेपर फेस जो कि 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्टीम को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब और अगर आप ऊपर जाते जाए तो ये वाली, देखिए ये मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई, ये वाली, ये सेकंड हो गया यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड हो जाएगा। थर्ड में अगर हम देखें और तो क्या कर सकते हैं, स्टीम, स्टीम आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब और ऊपर चली गई,
स्टीम जो हो गया आपका एट 200 डिग्री सेल्सियस जो कि सुपर हीटेड रीजन हो गया, तो ये हो गया आपका सेंसिबल, फिर आप सेंस कर पा रहे हो, है ना। तो होप आप समझ पा रहे होगे कि मैंने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। ये तीनों रीज़न जो है मैंने आपको इसके थ्रू मैंने डिफाइन कर दिए, ठीक है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है सेंसिबल हीट मतलब आप सेंस कर पाओ, उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, फेस चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसमें। अगर यहाँ पर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड ही है, यहाँ पे वेपर है तो वेपर ही है सेंसिबल हीट के केस में, लेकिन लेटेंट हीट में आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, देख रहे होगे यहाँ पे वेट रीजन कवर हो रहा है बेसिकली, है ना। तो जनरली जो लिक्विड है वो वेपर की तरफ जा रहा है, वेपर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और यही चीज़ वो बताता है ट्रांसफ्रैक्शन, मास ऑफ वेपर, है ना। मतलब आपके पास जो लिक्विड था ये वेट रीजन में जो मास प्लस लिक्विड था वो कितना वेपर में कन्वर्ट होता गया और लास्ट में जाके फुल्ली कन्वर्ट हो गया, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है ना इस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है बेसिकली, है ना। हम बोलते हैं ना कि इतना 99.9% जो है इसमें वेपर जो है वो है, है ना, तो वो चीज़ ये बताता है बेसिकली, मतलब कितने आप जो मिक्सचर है उसको आप फुल्ली इसमें कन्वर्ट करते पाए। तो होप समझ पाते होगे। और इनका कॉन्सेप्ट जनरली ऐसा होता है जैसे कि आपने एक बर्तन में पानी भर दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये पानी जो है एकदम ही वेपर में कन्वर्ट होगा, होता क्या है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर काम होता है। इसको अगर आप जज करोगे देखोगे तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को एनर्जी वो दूसरे को वो तीसरे को वो चौथे को वो पाँचवें को सबको ट्रांसफ़र करती जाएगी, है ना। और धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा आप देखेंगे यहाँ से जो है इस टाइप से वेपर निकलना स्टार्ट होगी धीरे धीरे करके, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे पूरा जो है वो वेपर ही वेपर होता चला गया। तो मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है और फिर जो है आप अब आपको फुल वेपर जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो हर एक चीज़ जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी होती है। होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ये हमारा जो है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो है, अब इसके बाद जो है हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब जो है आगे भी मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू आप लोगों ने जो है इतना प्यार दिया और मेरे वीडियोस को जो है आपने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट के साथ, जिसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत कुछ जो है नया दे सकूँ। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं है कि यहीं पे स्टॉप कर दिया, अभी भी मैं आपको और भी इसमें अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ।